और आइए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन सिंह खेड़ा को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार किया है। पवन खेड़ा को विमान से उतारा गया। आपको बता दें कि महाधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए पवन खेड़ा कांग्रेसी नेताओं के साथ रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की ओर निकल रहे थे, लेकिन उन्हें फ्लाइट से नीचे उतारा गया। वहां पर भी हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं पर धरने पर पवन खेड़ा बैठ गए, लेकिन उसके बाद असम पुलिस ने पवन सिंह खेड़ा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है भारत एक्सप्रेस। रायपुर जाने के दौरान खेड़ा की गिरफ्तारी हुई है। पीएम के अपमान को लेकर उन पर केस दर्ज हुआ है। मीडिया खंगाल लीजिए, सोशल मीडिया खंगाल लीजिए। जो बातें, जो तंज कसने की कोशिश पवन सिंह खेड़ा कर रहे थे, सेल्फ गोल ना सिर्फ उन्होंने खुद को किया बल्कि पूरे संगठन को उन्होंने अपनी इस तीखा टिप्पणी से कहीं ना कहीं शर्मिंदा किया होगा। आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते करते उनके दिवंगत पिता का जिक्र वो करने लग गए, वहां पर मजाक उनका उड़ाने लगे, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। एक लेवल होना चाहिए, बिलो द बेल्ट कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए। लेकिन पवन सिंह खेड़ा ने ये बड़ा सेल्फ गोल किया। और उसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट वो पहुंचे हुए थे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो फ्लाइट में बैठ चुके थे जैसी जानकारी हमारे पास है। फ्लाइट में वो बैठे हुए थे और उसके बाद उन्हें फ्लाइट से नीचे उतारा गया। उसके बाद गिरफ्तारी, तस्वीरें आपके सामने। बस में पवन खेड़ा जी को और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी उनके साथ जा रहे हैं। इन लोगों को असम की पुलिस लेकर जा रही है। ये वही असम की पुलिस है, जब निहत्थों पर वार होता है तो चुप रहती है। मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? ये बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी की, ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की असलियत है। और अगर आपको एक्शन लेना ही है अब शब्दों पर, तो खूनी पंजा पर, कांग्रेस की विधवा पर, जर्सी गाय पर, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड पर, रेनकोट पहनकर नहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कहने पर, पहले नरेंद्र मोदी जी को गिरफ्तार करिए और फिर किसी के खिलाफ एक्शन लीजिएगा। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। तो मैंने एक बार आप आइए, कंफ्यूजन है, नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। आपको देगा, आप हमें दीजिए, हम आपको एंड और संजीव जी को दे देंगे। बस ऑर्डर, वी आर रेस्यूरिंग यू, वी आर रेडी टू प्रोड्यूस इमीडिएटली, वी विल हैंड इट ओवर इन 1 सेकंड। लेट्स नॉट सी, लेट्स नॉट कमिट इललीगैलिटी। तो आखिरकार पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जा चुका है। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपके पास क्या कुछ जानकारी, किन सेक्शंस के तहत गिरफ्तारी हुई है? और क्योंकि इंटर स्टेट पुलिसिंग का ये पूरा मामला है, जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस के पास भी इस एक्शन को लेकर जानकारी दी होगी असम पुलिस ने। जी बिल्कुल, जो शुरू से दिल्ली पुलिस ने कहा है, उन्होंने यही कहा है कि असम में एफआईआर दर्ज होने के चलते ही असम पुलिस की तरफ से दिल्ली पुलिस को ये सूचना दी गई थी, जिसके बाद से पवन खेड़ा को जब फ्लाइट में चढ़े तो उनको वापस उतार लिया गया। हालांकि जो ये कहकर उतारा गया कि आपके लगेज को लेकर कोई समस्या है, और उसके बाद डीसीपी से बात करने के लिए उनको कहा गया। उसके बाद ही जो तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो रायपुर अधिवेशन के लिए फ्लाइट बोर्ड कर रहे थे, सभी लोग नीचे उतर गए और वहीं पर उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अभी जो ताजा अपडेट इस मामले में है वो है कि पवन खेड़ा को डिटेन कर लिया गया है। अभी कौन सी कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन असम पुलिस की एक टीम और दिल्ली रवाना हो रही है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि असम पुलिस उनकी कस्टडी ले ले और उनको असम लेके जाया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब लगातार इस पूरे मसले को लेकर हमलावर है और सीधा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका।